ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू. ओके बस। सो ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो हाउ एग्जैक्टली आर वी गोना डू द सेम मैनर जैसे हम उस दिन कर रहे थे? समवन शेयर्स द स्क्रीन एंड देन वी रन थ्रू, ओके सर, या मैं प्लीज करके दिखा दूँ एनेबल। करना? नहीं आप भी, मैं भी दिखा सकता हूँ। नहीं आप एनेबल करिए स्क्रीन शेयरिंग को ना। अच्छा कैन यू ट्राई नाउ? यस सर, सॉरी। ओके ओके नाउ सो वील स्टार्ट विद पिकलिस्ट फील्ड्स. सो द फील्ड हमने बेसिकली हमने पिकलिस्ट फील्ड ऑलरेडी बना ली है. राइट, सो व्हाट इज अ पिकलिस्ट फील्ड और व्हाट इज अ फील्ड इन जनरल, हम पहले उसकी बात करते हैं. तो अभी हम देख पा रहे हैं कि फील्ड क्या होता है. फील्ड बेसिकली जो डेटा कैप्चर करने के लिए जो भी एंटिटी जरूरी होती है उसे फील्ड कहते हैं. राइट, ओके एक काम कीजिए, इसमें सेटअप खोलिए जरा. फील्ड इज नथिंग बट अ डेटा टाइप, लाइक टाइप ऑफ डेटा टाइप। नो, नो फील्ड इज एन एंटिटी दैट कलेक्ट्स डेटा. डेटा ओके टाइप इज द टाइप ऑफ यू नो डेटा दैट यू आर कैप्चरिंग इन दैट फील्ड. डेटा टाइप एंड फील्ड आर डिफरेंट. क्लोज दिस नितेश, जनरली अवेलेबल जो आ रहा है क्लोज करो इसे. यस गो टू ऑब्जेक्ट मैनेजर. ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाइए. नहीं, ऑब्जेक्ट मैनेजर. गुड. अच्छा, मैंने एडिशंस बता दिए थे और मैंने लाइसेंसेस बता दिए थे. राइट, अच्छा ठीक है. लाइसेंसेस और एडिशंस बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड है, तो मेक श्योर कि आप ये याद रखो. अच्छा, डिड आई लेट यू नो गाइस सैंडबॉक्सेस? नो नॉट यट सर। ओके ओके ठीक है, सैंडबॉक्स पे बात कर लेते हैं थोड़ा, 10 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए. सो सैंडबॉक्स, व्हाट इज अ सैंडबॉक्स? क्या होता है? एवरी सिंगल वन ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, सो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स बेसिकली, एवरी वन ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली हैव कपल ऑफ वर्जन्स. ठीक है, दो वर्जन, मतलब वर्जन बोल सकते हैं या दो अलग अलग आप बोल सकते हो कि दो अलग अलग एनवायरमेंट्स बोल सकते हो. ठीक है, तो दे हैव यू नो लाइव एनवायरमेंट, जैसे ये आपका, ये जो आपने अभी ये ऑर्ग बनाया है. ठीक है, दिस इज लाइक अ लाइव एनवायरमेंट, दिस इज लाइक अ प्रोडक्शन एनवायरमेंट. ठीक है, प्रोडक्शन क्या हो गया कि भाई आप मान लीजिए दिस देयर इज लाइक अ यू नो अ सपोर्ट बिजनेस है, या फिर कोई ऐसा सेल्स का बिजनेस है, या जो जिस भी तरीके का बिजनेस है. अब वो बिजनेस जो है लाइव चल रहा है, यानी मान लीजिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इट्स लाइक अ मिक्सी सेलिंग. ठीक है, मिक्सी सेलिंग बिजनेस, मिक्सर सेल कर रहे हैं, और अब उसमें सेलिंग भी हो रही है और सपोर्ट भी साथ में चल रहा है. ठीक है, दोनों चीजें हो रही हैं. तो अब ये जो सारा सेलिंग कर रहे हैं हम, सेल कर रहे हैं मिक्सीज, तो वो उसके ऊपर जो इनवॉइसेस वगैरह क्रिएट हो रहे हैं मिक्सर्स के और प्रोडक्ट्स वगैरह दिख रहे हैं, और अगर उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं तो हम केसेस वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, सर्विस जो पार्ट आ जाता है वो. ठीक है, तो ये क्या है, ये लाइव एनवायरनमेंट है. ठीक है, अब जैसे मिक्सर्स हैं यार, मिक्सर्स बहुत, दिस लॉट होल आई मीन लॉट नंबर ऑफ मिक्सर्स व्हिच आर व्हिच गेट सोल्ड एवरी सिंगल डे इन द मार्केट. राइट, सो यू कैन इमेजिन हाउ मेनी ऑफ देम प्रोबेबली गेट इनटू एन इशू and how many times these guys receive a call and how many cases they create in a single day. ठीक है, तो जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पे वो कौन से environment पे हो रहा है? Production environment पे. ठीक है, production environment is a live environment जिसके ऊपर सारा सब कुछ काम चलता है. ठीक है, अब ये तो हुई production की बात. अब मान लीजिए आप कोई भी एक नई चीज create कर रहे हैं, नया product create कर रहे हैं, या फिर कोई भी जो आपका प्रोडक्ट है उसमें एनहांसमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में एनहांसमेंट्स या एक नया प्रोडक्ट क्रिएशन. ठीक है, वेयर वुड यू डू दैट?
in order to do that, you would require a testing environment as well. Yes. समझ लो क्या चक्कर है कि भाई लाइव एनवायरनमेंट पे तो मैं अपना काम कर सकता हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को टेस्ट एनवायरनमेंट भी तो चाहिए पड़ेगा. टेस्ट एनवायरनमेंट में मैं क्या करूंगा, लेट्स से मेरे को लाइव एनवायरनमेंट पे कोई चीज है जो कि चल रही है ऑलरेडी, उसको चेंज करना है, तो वो मैं लाइव एनवायरनमेंट पे डायरेक्टली जाके चेंज नहीं करूंगा. उसे चेंज करने के लिए आई विल हैव टू फर्स्ट इंश्योर दैट आई चेंज इट इन द टेस्ट एनवायरनमेंट, इन द यू नो जो हमारे टेस्टिंग के लिए जो है, और फिर उसको फिर टेस्टिंग से ले जाके मैं प्रोडक्शन पे लेकर जाऊंगा. ठीक है, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट अभी? बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस, सैंड बॉक्सेस होते हैं. सो एवरी सिंगल टेस्ट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अ सैंड बॉक्स. यूजुअली काफी सारे उसपे आपके काफी सारे जो लैंग्वेजेस होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काफी सारे, उनमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में सॉरी काफी सारी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में इसे जो है सैंडबॉक्स कहा जाता है, कई में टेस्टिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं. ठीक है, सो इन सेल्सफोर्स इट इज रेफर्ड टू एज अ सैंडबॉक्स. ठीक है, अभी क्या होता है, सैंडबॉक्स है तो सैंडबॉक्स में ही अलग अलग टाइप्स के होते हैं. I'll explain you the reason first and then we'll discuss those types. Reason क्या है कि भाई हमने देखा हमारे जो additions हैं Salesforce के वो अलग 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 तरीके के. ठीक है, वो अलग अलग तरीके के क्यों हैं और क्या था, anyone can brief, anyone can answer. Additions की बात कर रहा हूँ मैं. Developer addition था अपना. हाँ. Enterprise edition. हाँ, ये क्यों ऐसे अलग अलग क्यों होते हैं, एक से भी तो काम चल सकता है, अलग अलग क्यों होते हैं? We have the functionalities. Based on the functionality, we have divided it. What functionality? Like a number of users in there. Number of users तो दोनों मतलब सारे environments में एक जैसे रख सकते हैं. Like for running the companies, like for mid type of companies, small type of company like that. So based on the organization. Yes, based on the organization, based on the business requirement, based on the kind of a company that you have or kind of organization. So it's like कि अगर small business है, mid size business है या large size या complex business है. ठीक है, तो अगर ऐसा production instance में है, ठीक है, तो इससे थोड़ा कुछ सिमिलर सैंडबॉक्स में भी होगा. ठीक है, तो सैंडबॉक्स क्या होता है, सैंडबॉक्स होते हैं फोर टाइप्स के. ठीक है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सैंडबॉक्सेस व्हिच आर अवेलेबल. सो दीज फोर टाइप्स ऑफ सैंडबॉक्सेस आर डेवलपर, डेवलपर प्रो, पार्शियल कॉपी एंड फुल कॉपी. ठीक है, फर्क बता देता हूँ इन चारों में. डेवलपर जो होता है वो एक बहुत ही जनरल बेसिक टाइप का सैंडबॉक्स होता है. ठीक है, इट हैज वेरी लिमिटेड कैपेबिलिटीज, एज इन उसमें जो स्टोरेज स्पेस होती है वो बहुत कम होती है. अब एक्चुअली लिमिटेड कैपेबिलिटीज कहना यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि कैपेबिलिटीज तो एक्चुअली उसकी पूरी है. बस क्या है, लिमिटेशन ये है कि उसकी जो स्टोरेज स्पेस है वो कम है, 5 GB. और अब उसमें क्या चक्कर है कि उससे ज्यादा आप बढ़ा नहीं सकते उसे. ठीक है, सो दैट्स व्हाट अ प्रॉब्लम दैट इज देयर, व्हिच इज द लाइक अ कंस्ट्रेंट विद द डेवलपर सैंडबॉक्स. अब डेवलपर सैंडबॉक्स के एक लेवल ऊपर क्या है, डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स. अब क्या है इसमें, इन दोनों में फर्क, डेवलपर सैंडबॉक्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप जितने चाहे उतने बना सकते हो. ठीक है, लेकिन जो डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स है उसमें स्टोरेज स्पेस अच्छी आती है, उसमें सपोर्ट आता है और बहुत सारी चीजें आती है, तो इस वजह से उसकी कॉस्टिंग होती है. ठीक है, तो ये तो हो गया डेवलपर और डेवलपर प्रो का. अब आप कहोगे कि पार्शियल कॉपी और फुल क्या है. पार्शियल कॉपी क्या चीज है, क्या होता है, सैंडबॉक्सेस ना अलग अलग तरीके के होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है,
लोग क्या करते हैं ना, डेवलपर डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स ले लेते हैं, उस पे ना चेंजेस वगैरह करते हैं, ठीक है, अब या उस पे जो भी डेवलपमेंट करना है या जो भी कुछ कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस है ये सब कुछ करना है, वो सब करते हैं। अब मान लीजिए आपको इस डेवलपमेंट को या इस चेंज को कस्टमर को देना है फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, ओके ठीक है, कस्टमर अभी तो आप अपने एंड पे कर रहे थे राइट है ना, आपको एक कस्टमर को देना है कि आप टेस्ट करो, तो आप ये नहीं चाहोगे कि जो हम जो डेवलपर सैंडबॉक्स जो जिसपे या डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स जिसपे हम कर रहे हैं ना, हम ये नहीं चाहेंगे यार कि इस पे कस्टमर ना कुछ भी टेस्टिंग करे। डाल के डमीटर डाले उसमें एंड दिस इज रीजन बिहाइंड इट, द रीजन इज बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि वो टेस्टिंग के दौरान अगर वो कुछ मतलब बेसिकली कुछ भी ऊपर नीचे हुआ या कुछ भी हुआ, दिल भी लाइक कि यार मतलब बेसिकली आप समझ रहे हो कस्टमर्स की मेंटालिटी ना बहुत अजीब सी होती है, देर लाइक अरे व्हाई व्हाई दिस इज नॉट हैपेंड, व्हाई दैट इज नॉट हैपेंड, दे प्रोबेबली हैव अ डेवलपर विद इन देमसेल्व्स एज वेल, दे स्टार्ट यू नो दे स्टार्ट डूइंग स्टफ देमसेल्व्स, सो दीज थिंग्स आर लाइक यू नो इसको इस गैप को फिल करने के लिए देव गिवन अस अ कपल मोर सैंड बॉक्सेस विच आर लाइक फॉर यूएडी पर्पसेस, फॉर यू नो टेस्टिंग पर्पसेस ओनली, सो फॉर दोज पार्शियल कॉपी एंड फुल सैंड बॉक्स आर देयर। अब क्या होता है पार्शियल कॉपी और फुल सैंड बॉक्स, अब ये सारे जो सैंड बॉक्सेस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे सैंड बॉक्स बनते डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ही है, डेवलपर एनवायरमेंट से ही है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सिंपल सा है इस, ये टेस्ट ये वाली जो है हमारी ट्रायल और इस पे चलता नहीं है, बट यूजुअली क्या होता है ना जो हमारा ये जो सेटअप होता है, सेटअप में हम जो हमारा क्विक फाइंड बॉक्स होता है वहां पे सैंडबॉक्स टाइप करेंगे तो वहां पे क्रिएट सैंडबॉक्स का ऑप्शन आता है, ठीक है, अब क्या होता है ना बहुत बहुत सारे मतलब 100 100 सैंडबॉक्सेस तक आप बना सकते हो यहाँ से, क्रिएट कर सकते हो, उतने अवेलेबल होते हैं, तो बेसिकली उनकी स्टोरेज स्पेस क्योंकि ये ट्रायल ऑर्ग है, देखो अभी ये ना ट्रायल ऑर्ग में किसी का कोई भरोसा नहीं है, कोई आदमी किस तरीके से इसको ट्राई कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई वो नहीं है, तो अब इसमें उन्होंने इसलिए इस सैंडबॉक्सेस वाली फंक्शनैलिटी को ब्लॉक करके रखा है, देख नहीं रखा, क्योंकि यार देखो जितनी ज्यादा आप सैंडबॉक्सेस बनाते जाओगे उतना ज्यादा स्टोरेज स्पेस या क्लाउड का स्पेस भी उतना ज्यादा बेसिकली कैप्चर हो रहा है, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे हैव नॉट गिवन दिस फंक्शनैलिटी, सो जो लाइव एनवायरमेंट्स होते हैं उसमें ये सैंडबॉक्स अवेलेबल होता है, जैसे ही आप सेटअप पे जाके सैंडबॉक्स टाइप करोगे आपको सैंडबॉक्स बनाने का ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट सैंडबॉक्स आ जाएगा, वहां जाकर आप क्रिएट कर सकते हो, वहां पे आपको चारों ऑप्शन मिलेंगे डेवलपर डेवलपर प्रो पार्शियल कॉपी और फुल कॉपी, ठीक है, अब जब आप पार्शियल कॉपी सैंडबॉक्स बनाते हो अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से, ठीक है, तो वो डेटा कॉपी करता है, डेटा कॉपी करता है, जो डेटा डेटा की बात करूं मैं यहाँ पे, डेटा क्या है, डेटा में भी और जो एंटिटीज है उनमें फर्क है, तो जो आप फील्ड बनाते हो ना फील्ड है वो एंटिटी है, जैसे हमने लोकेशन की फील्ड बनाई थी वो एक एंटिटी है, ठीक है, और इसके बगल में जो गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो रिकॉर्ड खुला हुआ है ना, इसके आपके यस जो टैब है इसके बगल में जो टैब है उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड खुला हुआ है, जो ये रिकॉर्ड है ये डेटा है, ओके ठीक डेटा और एंटिटी के बीच में फर्क समझ में आ गया, किसी को पूछना है पूछ सकते हो दोबारा, वापस रिपीट कर दीजिए। सही जो ये रिकॉर्ड आप देख रहे हो गोदरेज प्रॉपर्टीज का, व्हाट इज दिस, दिस सर, इज एक्चुअली डेटा, सर मतलब जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे प्रोजेक्ट अपन ने बनाया, इस प्रोजेक्ट में अपन ने स्टेट वगैरह डाले तो वो तो एंटिटी थे, एंड जैसे ये आपका नाम आ रहा है, नीतीश आ रहा है, मैं हैदराबाद आ बता रहा है, रहा लोकेशन हूँ, दिल्ली डेटा है। मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, हाँ ये प्रोजेक्ट नेम लोकेशन ये सब क्या, ये डेटा हो गया, ठीक है, लेकिन जो आपने लोकेशन की फील्ड बनाई थी ना, लोकेशन की जो फील्ड बनाई थी वो एंटिटी है, ठीक है, सर क्लियर, इनको मतलब सर इनको अपन टैब्स बोलते हैं ना, जैसे अकाउंट्स है, कॉन्टैक्ट्स है, हाँ प्रोजेक्ट्स है, इनको अपन हाँ टैब्स बोलते हैं। तो हाँ इनके इनको टैब्स बोलते हैं, ये भी एंटिटीज हैं, डू नॉट गेट कंफ्यूज, द ओनली पॉइंट इज आई जस्ट वांटेड टू बाइफरकेट बिटवीन व्हेन आई से डेटा यू अंडरस्टैंड व्हाट डेटा इज, दैट्स ऑल, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट डेटा इज, फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टफ इफ यू कीप इट सिंपल एंड से के भाई ये फील्ड है ये ऑब्जेक्ट है ये टैब है वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस एक आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखना चाह रहा था, दैट्स व्हाई आई सेड, ठीक है,
ठीक है, क्लियर है? नहीं है, मैं दोबारा बता सकता हूँ विशाल सर? ऑब्जेक्ट का सर, जैसे अभी मैं समझ गया सर फील्ड, तो एक बार सर नीतीश पैक करिएगा सेम उसी जगह पे जाकर सर। एक्चुअली जैसे देखिए, ये आपने बताया ये तो अपना फील्ड हो गया जिसपे भी अपन काम करते हैं जो भी है ना, और ये अपने ऊपर जैसे कॉन्टेक्ट है, अकाउंट है, प्रोजेक्ट है, ये अपनी टैब्स हो गई। करेक्ट, ऑब्जेक्ट के टैब्स हो गए। और इसमें सर ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट के टैब्स है ना ये, देखो मैंने बताया था ये पहले भी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट में डेटा आप कैप्चर करते हो, ठीक है? लेकिन उस इसमें होल प्रोसेस में ऑब्जेक्ट क्या है अपना, ये गोदरेज प्रॉपर्टी वाला, तो इस होल प्रोसेस में ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट बता रहा हूँ ना, सुनो। देखो क्या है, ऑब्जेक्ट में आप डेटा कैप्चर करते हो, ठीक है? अब आपने क्या करा था जब प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट? आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, आपके सिस्टम में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, लेकिन जब आप काम कर रहे हो तो आप, अब बेसिकली आप तो काम करोगे नहीं, आप तो सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप क्या करोगे? एडमिन जॉब्स करोगे पीछे की। लेकिन जो काम करते हैं कॉल सेंटर वाले बंदे या सेल्स वाले बंदे, वो जो काम करते हैं तो उनको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ ऐसे रियल एस्टेट या 9 जो डॉट्स दिख रहे हैं, 9 डॉट्स पे क्लिक करके वो रियल एस्टेट ऐप खोल देंगे। इनफैक्ट वो रियल एस्टेट ऐप उनकी ऑटोमेटिकली खुलती है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग भी होती है कि आप जो भी ऐप चाहोगे वो ऐप खुले स्ट्रेट अवे, ठीक है? अब वो ऐप खुल गई, वो ऐप ओपन हो गई, अभी आपने प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्ट तो बना दिया है जी, लेकिन उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करेगा बंदा? उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? टैब बनाना पड़ेगा। इसके अंदर तो सर वो बनेगा ना? अच्छा, हमने टैब बनाया था, रिमेंबर? और पार्शियल को भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये आप समझ ही गए होंगे कि जब डेटा पार्शियली आ रहा है तो फ्री ही रहेगा। फुल कॉपी सैंडबॉक्स होता है बड़े बिजनेसेस के लिए, क्योंकि वो क्या करता है ना, उसमें पहली बात तो एक कीमत लगती है, दूसरी बात ये कि फुल कॉपी सैंडबॉक्स विल कॉपी द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल डेटा इनटू अ न्यू इंस्टेंस, अ न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है? अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, आप समझ रहे हो कि जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारा डेटा है, ठीक है? और आपका कस्टमर ये कह रहा है यार, आई वॉन्ट टू रेप्लीकेट द सेम इन अ टेस्टिंग एनवायरमेंट, आई वॉन्ट द सेम डेटा हियर एज वेल इन द टेस्टिंग एनवायरमेंट एज वेल। तो यू विल से कि ठीक है जी, आप फुल कॉपी सैंडबॉक्स ले लो, देयर आर कॉस्ट एंड एवरीथिंग अटैच्ड टू इट, बट या इट विल रेप्लीकेट द सेम डेटा इन द सैंडबॉक्स, ठीक है? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सैंडबॉक्स विच आर अवेलेबल। एनी क्वेश्चन एनीवन? ओके, ग्रेट, ठीक है, सैंडबॉक्स हो गया। अभी वापस आते हैं हमारे जो टॉपिक जो हमें करना था वो, तो हमारा टॉपिक ये था पिकलिस्ट फील्ड, हम बना चुके हैं यहाँ पे लोकेशन हैदराबाद, ठीक है? अब मान के लीजिए पहले एक फील्ड बनाते हैं, सो लेट्स गो बैक टू योर ऑब्जेक्ट मैनेजर एंड ओपन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट हियर, सो यू कैन बेसिकली टाइप द क्विक फाइंड प्रोजेक्ट एंड देन वहां से वो आ जाएगा, नीचे दिखेगा, ठीक है? ओपन करो इसे, गो टू फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स सेकंड है ऊपर से, ठीक है? अभी यहां पे काम करो, एक न्यू फील्ड बनाओ, यस, एंड सिलेक्ट द डेटा टाइप फॉर दिस फील्ड एज पिकलिस्ट, पिकलिस्ट बनाएंगे हम, हाँ जी, नेक्स्ट, ओके, गिव दिस अ नेम, स्टेट, स्टेट लेवल दे दो, एस कैपिटल रखो, ठीक है? एंटर वैल्यूज विद ईच सेपरेटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए, ठीक है? चार पांच स्टेट के नाम डाल दीजिए, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे करके डाल दीजिए, नहीं ऐसे नहीं होता भाई,
नहीं ऐसे भी नहीं होता, इसको वो करो, इसे डिलीट करो, हाँ और ऊपर जाओ, हाँ बस अब एंटर मारो. सो यू सी इट्स रिटन राइट एट द टॉप एज वेल, एंटर वैल्यूज विद ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय अ न्यू लाइन, वहां लिखा हुआ है. ठीक है, स्पेस तो दो उत्तर प्रदेश के बीच में भाई. तो प्रदेश कर दो, हरियाणा कर दो, राजस्थान कर दो. हरियाणा कर दो, ठीक है, राजस्थान कर दो, और एक और डाल दो, और एक और कर दो आंध्र प्रदेश. ठीक है, नाउ स्क्रॉल डाउन. आंड्रे कर दिया भाई, वो रसल थोड़ी है. ठीक है, स्क्रॉल डाउन. ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट. ओके नेक्स्ट एंड सेव. ठीक है, परफेक्ट. नाउ गो बैक टू योर रिकॉर्ड, गो बैक टू द रिकॉर्ड. यस सर. एंड रिफ्रेश दिस रिकॉर्ड. सो स्टेट का फील्ड जो है अब वो हमें दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे स्टेट वाला फील्ड जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश सेलेक्ट कर दो. हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आता है राइट, अभी तेलंगाना में आता है, आंध्र प्रदेश में पता नहीं. ठीक है, चलिए इसे सेव कीजिए. अभी आपके पास ना एक ऐसी रिक्वायरमेंट लेके आता है कस्टमर. कस्टमर कहता है कि सर आप ना मेरे को, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश, तो फिर आ रहा है तो मैं हैदराबाद सिलेक्ट करता हूँ अलग से. ठीक है, तो कस्टमर कहता है जी आप ये काम करो मेरे लिए कि जब मैं, और ये क्या है, ये बहुत छोटी पिक लिस्ट है. ठीक है, इसमें क्या चार पांच ऑप्शन है. मान लीजिए ऐसा होता है कि अब इंडिया है भाई, इंडिया इतना बड़ा है, इंडिया में इतने सारे सिटीज है, इतने सारे स्टेट्स है, मान लीजिए बहुत सारे स्टेट्स का नाम आता है. ठीक है, एक मिनट देना, जस्ट गिव मी वन मिनट. सो अब इतने सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, अभी सिटीज भी बहुत सारे हैं. अब मान लीजिए आप इसमें 500 सिटीज डाल देते हो पिक लिस्ट में. ठीक है, अब वो 500 सिटीज में से जो रेलेवेंट है एक स्टेट के लिए वो है लेट्स से 5 और 10. तो कस्टमर सेज कि भाई जब मैं आंध्र प्रदेश सेलेक्ट करूँ ना स्टेट में, तो मेरा जो लोकेशन है उसमें सिर्फ हैदराबाद आना चाहिए, हैदराबाद और 2-3 और सिटीज ले लो वहाँ की जो भी होती है, सिकंदराबाद एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है, सो दे सेइंग दैट वी वांट दैट व्हेनेवर वी सेलेक्ट आंध्र प्रदेश वी गेट ओनली दोज ऑप्शंस व्हिच आर स्पेसिफिक टू आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो लेट्स से दे सेइंग कि भाई व्हेन आई सेलेक्ट उत्तर प्रदेश आई गेट, I should only get Noida, I should only get Lucknow, I should only get Kanpur and stuff, right? So I should not get Hyderabad when I'm selecting Uttar Pradesh. आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? Dependency हो रही है, yes, dependency हो रही है. ठीक है, तो अब इसको कैसे क्रिएट करेंगे ये देखते हैं. चलिए go to the other tab. ठीक है, अब आप ऊपर देख रहे हो field dependencies लिखा आ रहा है. Yes. Click on that button. Yes. Click on new.
ठीक है, तो जो कंट्रोलिंग फील्ड रहेगी वो क्या रहेगी यहाँ पे, स्टेट की, है ना, और डिपेंडेंट कौन सी रहेगी, लोकेशन, ठीक है, कंटिन्यू. ठीक है, अभी यहाँ पे आप कर दो, तो जो दिल्ली है उसके नीचे दिल्ली को सिलेक्ट करो यहाँ पे, हाँ ओके. उत्तर प्रदेश के नीचे नोएडा सिलेक्ट कर दो, मध्य प्रदेश के नीचे कुछ है ही नहीं, हरियाणा के नीचे भी आपने कुछ डाला ही नहीं है, ठीक है, राजस्थान के नीचे भी कोई वो डाला नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ाओ इसे, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट, नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट ऑप्शन ओके है, देखो आंध्र प्रदेश के नीचे हैदराबाद सिलेक्ट करो, हाँ प्रीवियस करो. अभी हमें ना एक नाटक है, जब हम ये नेक्स्ट में जब सिलेक्ट करते हैं ना तो जो पुराना वाला ऑप्शन होता है ना वो हट जाता है, तो एक काम करो दिल्ली के नीचे दिल्ली सिलेक्ट कर दो, उत्तर प्रदेश के नीचे नोएडा सिलेक्ट कर दो, हाँ जी, एंड इसके अलावा और कोई ऑप्शन तो है नहीं, सो डू वन थिंग, इंक्लूड वैल्यूज करो, इंक्लूड वैल्यूज, हाँ अब सेव कर दो इसे, ओके ओके, नाउ गो बैक टू फील्ड डिपेंडेंसीज वंस अगेन. And yeah, edit this, yeah. Okay, now next करके आंध्र प्रदेश वाला जो है ना उसको भी include कर लो, हैदराबाद, include values and save. दिल्ली आपने शायद select किया, अच्छा आपने select किया हुआ एक, फिर वो वैसे नहीं करा होगा, control दबा के नहीं करा होगा, shift दबा के करा होगा, तो वो चला नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं, whatever it is, it's okay, fine. So let's go back. Godrej Properties. Yeah. Okay. Let's select project once again. Tab okay. Select karo project ka. Tab select karo project ka. Abhi yahan par ek naya project fir se banate hain apan. Theek hai. So click on new. ठीक है, नाउ गिव दिस प्रोजेक्ट नेम महिंद्रा. ठीक है, नाउ डू वन थिंग फॉर मी इन द स्टेट, सो दिस, अभी देखो ये लोकेशन सिलेक्ट करने को आपको दे नहीं रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, बिकॉज आपने डिपेंडेंट पिक लिस्ट बना दिया है. ठीक है, अभी आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे, हाँ सिलेक्ट द स्टेट, सो सिलेक्ट द स्टेट ह्योर एज आंध्र प्रदेश, हाँ अभी देखो आंध्र प्रदेश, हाँ अब देखो यहाँ पे हैदराबाद है, सिर्फ हैदराबाद आ रहा है, लोकेशन में चार फील्ड वैल्यूज अवेलेबल है लेकिन यहाँ सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, क्यों, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी बना दी है, करेक्ट, या यू कैन सेव दिस नाउ. ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग हियर, राइट, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फील्ड डिपेंडेंसी, अभी ये वैल्यूज बहुत कम है, so what usually happens is because in organizations वहां पे क्या होता है कि there are a lot of values to select from. Okay, so what they want is, what the customers want is, ki there are specific values which are available to be selected. Okay, all right. Okay, all right. Clear? Hai? Yes, sir. Wow, please, sir. Sorry. Yes, sir. All right. Okay. ठीक है. तो ये तो हो गई एक चीज. अभी इसके बाद में हम क्या करते हैं? के इसमें give me one minute, एक बार वो नीतीश ऑफिस रिपीट कर देना यार, वो फील्ड डिपेंडेंसी वाला कहाँ से ओपन किया था तुमने, ऑब्जेक्ट मैनेजर है ना, उसमें यहाँ पे फील्ड डिपेंडेंसीज का ऑप्शन है सबसे ऊपर, देन यू हैव टू सिलेक्ट इट, देन वी आर, इफ वी हैव ऑलरेडी मेड दैट देन वी हैव टू क्लिक ऑन एडिट, अदरवाइज वी हैव टू क्लिक ऑन न्यू, ओके. So, okay, then controlling or dependency level. Okay. Yeah. Okay. Okay. ठीक है, clear? Okay.
चलिए, सो दैट्स वन. नाउ लेट्स पिक वन मोर टॉपिक हियर. अभी क्या है कि कुछ फील्स बनाते हैं पहले दो तीन, उसके बाद वो टॉपिक पकड़ते हैं. सो गिव मी अ मिनट. ओके, सो अब क्या है कि एक काम करते हैं, इसमें डाल देते हैं हम. ओके, let's go back to the object. And go to fields and relationships. For which school, sir? Okay. Fields and relationships. चलिए. हाँ जी. अभी अभी एक काम करते हैं, न्यू फील्ड पे चलिए. न्यू. ओके. नाउ यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक फील्ड बनाते हैं, नंबर ऑफ, एक नंबर टाइप, एक नंबर टाइप का फील्ड बनाते हैं. ठीक है, नंबर. या ऑलराइट, नेक्स्ट. एंड इसको दे देते हैं हम नंबर ऑफ टावर्स लेबल दे देते हैं. नंबर एन ओ ऑफ टावर्स. ठीक है, इसकी लेंथ 18.0. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट कर दीजिए. ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए इसे. अनसेव दिस. ठीक है, क्लिक ऑन न्यू अगेन. अभी है ना, हम एक काम करते हैं, इसमें एक एड्रेस नहीं, एक डेट फील्ड बनाते हैं, डेट. ठीक है, नेक्स्ट. गिव दिस अ नेम एज लॉन्च डेट. डिफॉल्ट वैल्यू सर. सॉरी, लॉन्च डेट हो गया और हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ टावर्स हो गया. ठीक है, परफेक्ट. ठीक है, इतना काफी है. अभी एक बार ही चलना जरा महिंद्रा वाले इस पे, जो वो खुला हुआ रिकॉर्ड रिफ्रेश करना इसे. ठीक है, सो नाउ यू सी दैट देर आर फील्ड्स विच आर अवेलेबल. सो नंबर ऑफ टावर्स दिख रहा है, लॉन्च डेट दिख रहा है. ठीक है, तो नंबर ऑफ टावर्स में एक वैल्यू इनपुट कर दो,
let's say input 5 there, 5, ठीक है. अभी लॉन्च डेट आपको कब लॉन्च करना है, जब आपका मन है वो सिलेक्ट कर दो. 1 दिसंबर कर दो यार. That's it, perfect. Click on save. ठीक है, अभी देखो ये डेटा बन रहा है हमारा थोड़ा थोड़ा. अब हमें यहाँ पे देखो क्या समझने की जरूरत है, कुछ कुछ चीजें हमें यहाँ अवेलेबल दिख रही हैं, ठीक है. अभी जो ये फील्ड हम देख पा रहे हैं, ठीक है, so we can see these certain fields here. Now, हमें यहाँ पे करना ये है कि हमारा कस्टमर कहता है यार मेरे को ना ये पेज लेआउट जो आपका दिख रहा है इसमें मजा नहीं आ रहा, आई वॉन्ट टू सी अ डिफरेंट व्यू ऑफ दिस पेज लेआउट. जैसे कि जब भी आप स्टेट सिलेक्ट कर रहे हो तो स्टेट नीचे आता है, लोकेशन ऊपर आती है, ये अजीब सा हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है. हाउ टू चेंज दैट इज समथिंग दैट वी गोना बी सीइंग नेक्स्ट. ओके ओके ऑलराइट, सो गो टू द ऑब्जेक्ट नाउ. ओके सो देखो जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजर में, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये आपके जितनी भी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, दीज आर ऑल द कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस अवेलेबल राइट हियर, ठीक है. थर्ड ऑप्शन है पेज लेआउट, सिलेक्ट दैट. अब व्हेनेवर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट अ पेज लेआउट गेट्स ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट, ठीक है. सिलेक्ट दिस लेआउट. या वन मिनट अब. ऑलराइट नाउ प्लीज स्क्रॉल डाउन अ बिट, थोड़ा सा ऊपर बस रुक जाइए. अभी देख रहे हो आप ऊपर जो विंडो दिख रहा है आपको, द विंडो दैट यू कैन सी ऑन द टॉप, यू कैन सी फील्ड्स बटन्स क्विक एक्शंस मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शंस एंड एवरीथिंग हियर राइट. सो एट द मोमेंट फील्ड इज सिलेक्टेड एट द मोमेंट राइट, एंड बिकॉज़ फील्ड्स इज सिलेक्टेड यू कैन सी ऑल द फील्ड्स ऑन द राइट हैंड साइड, व्हाटएवर फील्ड्स आर प्रेजेंट यू कैन सी देयर राइट. नाउ इफ यू हैव अ लुक एट द बॉटम विंडो, नीचे देख रहे होगे अगर आप प्रोजेक्ट डिटेल जहां पे लिखा हुआ है, देर या हियर यू कैन सी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन में यू कैन सी दीज फील्ड्स विच आर अवेलेबल. अभी आप एक काम करो मेरे लिए, जो स्टेट का फील्ड दिख रहा है आपको, स्टेट का उसको ड्रैग करके लेके जाओ राइट हैंड साइड में, पुट इट हियर. मैं कह रहा हूँ इसको ओनर के ऊपर रख दो, इनफैक्ट बहुत बढ़िया. अभी लोकेशन का फील्ड ड्रैग करके लेके जाओ और स्टेट के नीचे रख दो, परफेक्ट, स्टेट के नीचे, परफेक्ट, ठीक है. अब ये क्या हो गया, ये आपने फील्ड जो थे वो कर दिए चेंज, ठीक है. अब दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू हियर, ठीक है. मान लीजिए आपको इसका, ये जो आपने लोकेशन और स्टेट जो करा है, इसको भी आपको एक अलग तरीके से दिखाना है, ठीक है. तो योर कस्टमर सेज दैट ऑल द एड्रेस डिटेल्स like the state, the location, the probably you have fields like address and stuff, they need to be shown in a separate section itself. So uske liye hum kya kar sakte hain, aap upar dekh rahe hoge fields mein section dikh raha hai, section dikh raha hai aapko upar the fields ke right hand side mein, dekho right wale usme ha section dikh raha hai, isko drag karke leke aao niche, ha yahan rakh do, ठीक है. अब न्यू सेक्शन बन गया. अब यहाँ पे न्यू सेक्शन को की जो हेडिंग है वो हटा के इसको एड्रेस लिख दो, ठीक है जी. अभी ये हो गया, अब एक काम करिए ओके कर दीजिए. रेस्ट ऑफ थिंग्स आर फाइन, टू कॉलम का बनेगा, लेफ्ट राइट चलेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके कर दीजिए, ठीक है. ये एड्रेस आ गया, अब एड्रेस तो आ गया है. अब आपने क्या करना है, स्टेट को ट्रैक करके नीचे लाना है, लेफ्ट में पटकना है, लोकेशन को ट्रैक करके नीचे राइट में पटकना है, करिए. ये स्टेट दिख रहा है ऊपर वाले में इंफॉर्मेशन, हां ओके, यहां पे है, इट्स ऑलरेडी देयर ऑन द पेज, या हियर, यस, या ओके.
drag this and put it down below address. Okay. Very nice. Yeah, left me. Yes. Drag the location and put it on the right hand side. Perfect. Perfect. Okay. And do one thing. Put the launch date on the right hand side. Launch date को ना right में पटक देते हैं. हाँ. ठीक है, थोड़ी uniformity सी लगेगी. ठीक है. Yes sir. अब आप समझ रहे हो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं. जो भी fields हमारी available थी ऊपर, we have put those fields in the specific order in which our customer wants. One. Secondly, our customer wanted to add a section for address. We've added that section. Okay. All right. Make sense? Yes. Perfect. Click on save here. Save कर दीजिए इसको, फिर हम बाकी की बात करेंगे. Perfect. Go to the record and refresh this. अच्छा, by the way, this is a record. जो हम देख रहे हैं ना, ये record है एक. ठीक है, समझ रहे हो. अब आपका देख रहे हो, आपने जैसे रिकॉर्ड रिफ्रेश किया है, आपने जो भी चीजें करी थी वो सारी जो है पुट टुगेदर हो गई एकदम बढ़िया तरीके से. ठीक है. दिस इज अ पेज लेआउट. क्या है ये? पेज लेआउट. पेज लेआउट. और ये डिटेल पेज लेआउट है. डिटेल पेज लेआउट. ठीक है. एक एडिट पेज लेआउट भी होता है. एडिट पेज लेआउट कैसा दिखता है बताता हूँ. अब आप एक काम करो, जो प्रोजेक्ट नेम है ना, नहीं नीचे प्रोजेक्ट नेम वाला फील्ड है. ओके, यहाँ पर. हाँ, पेंसिल पे क्लिक करो. दिस इज एन एडिट पेज लेआउट. ठीक है. ठीक है, सेव कर दीजिए इसे. ठीक है, अब वापस चलते हैं पेज लेआउट पे. पेज लेआउट ओपन करते हैं. ओपन करिए इसे. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज बटन्स. या बटन्स से सिलेक्ट दैट. ठीक है, अब आप देख रहे हो, नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा सा. अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपको ना ये बटन्स जो दिख रहे हैं, स्टैंडर्ड बटन्स दिख रहे हैं. ये प्रोजेक्ट डिटेल पेज दिख रहा है ना, प्रोजेक्ट डिटेल में देख रहे हो आप, स्टैंडर्ड बटन्स दिख रहे हैं आपको. ठीक है, एडिट डिलीट एंड ऑल दैट स्टफ. राइट. ये ऑप्शन इज कस्टम बटन्स देयर. कस्टम बटन. हां, अगर कस्टम बनाएंगे तब करेंगे. जैसे हमने कस्टम फील्ड्स बनाई, कस्टम ऑब्जेक्ट बनाए, उस तरीके से कस्टम बटन्स भी बना सकते हैं. ठीक है. खैर, अभी बात करते हैं फिलहाल हम इन बटन्स की. ठीक है. सो ये बटन्स का जो हमें बेसिकली यहाँ पे पुट अप करना होता है या हटाना होता है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं. सो वो करने के लिए आप एक काम कीजिए, पहले आप चलिए रिकॉर्ड पे. ओके. रिकॉर्ड पे. रिकॉर्ड इसके बगल में ओपन है, महिंद्रा वाला जो रिकॉर्ड है ना. ओके ओके. ठीक है, अब आपको दिख रहा है न्यू कॉन्टैक्ट, एडिट न्यू अपॉर्चुनिटी. ये बटन्स दिख रहे हैं इनके बगल में जो है, हाँ, इस पे क्लिक कीजिए. अब आप देख रहे हो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे. न्यू केस, न्यू लीड, डिलीट, क्लोन. डिलीट है, क्लोन है, चेंज ओनर है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स है. प्रिंटेबल व्यू है. तो यू वॉन्ट की यार ये प्रिंटेबल व्यू हटा दो यहाँ से, ये प्रिंटेबल व्यू नहीं समझ में आ रहा मेरे को. ठीक है, तो अब वापस चलते हैं. गो बैक. या प्रिंटेबल व्यू को उठाइए और ऊपर पटक दीजिए. राइट. नाउ डू वन थिंग फॉर मी. ये पिक दिस, सबमिट फॉर अप्रूवल एंड पुट इट बिलो. पिक दिस एंड पुट दिस बिलो. या परफेक्ट. क्लिक ऑन सेव. ऑलराइट, गो बैक टू द रिकॉर्ड, रिफ्रेश द रिकॉर्ड एंड देन चेक. या है सबमिट फॉर अप्रूवल. आ गया सबमिट फॉर अप्रूवल और प्रिंटेबल भी बढ़ गया. यस, बहुत ही बढ़िया. चलिए वापस चलिए पेज लेआउट्स पे. ठीक है, क्विक एक्शंस. अब ये सारे क्विक एक्शंस हैं. आपको यहाँ से न्यू अकाउंट बनाना हो, न्यू केस बनाना हो, न्यू कॉन्टैक्ट बनाना हो, ये सारे क्विक एक्शन. जैसे हम वहां पर देख भी पा रहे हैं कुछ कुछ क्विक एक्शंस वहां पे हम देख भी. वी कैन इवन सी सम सम ऑफ द क्विक एक्शंस. राइट, ये न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू कॉन्टैक्ट हम देख भी पा रहे हैं. ठीक है.
चलिए मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शंस पे जाएंगे। अब ये सारे मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शंस मतलब बेसिकली जो लाइटनिंग पेजेस रहेंगे ना उनपे ये एक्शंस परफॉर्म होंगे और मोबाइल फोन्स पे, ठीक है ठीक है। दे आर द सेम, उनका काम वही है, बस बेसिकली मोबाइल एंड लाइटनिंग पेजेस पे होंगे, ठीक है ओके। अब नीचे चलते हैं, एक्सपेंडेड लुकअप्स रहने दीजिए, दिस इज नथिंग, ये पुरानी चीजें हैं, ये अभी यूज नहीं होती। रिलेटेड लुकअप्स, रिलेटेड लिस्ट, सॉरी रिलेटेड लिस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है समझाता हूं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन सेल्स फोर्स एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू ईच अदर, ओके, एंड व्हाई इज दैट? द रीजन टू दैट इज कि जो भी हमारे बेसिकली क्या होता है, जो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है एपेक्स या फिर लाइटनिंग में यूज होती है जावास्क्रिप्ट, ओके, दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट कलेक्ट्स डेटा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है एंड द ऑब्जेक्ट्स इन दीज लैंग्वेजेस आर यूजुअली इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। अब जो ये इंटरकनेक्टिविटी है बिकॉज ये रिलेटेड है, क्योंकि ये रिलेटेड है एक दूसरे से, तो आप क्या चाहोगे कि जो मैं प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड देख रहा हूँ ना वहां पे, प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड में मेरे जो भी रिलेटेड उसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी दिख जाएं, ताकि मैं एक ही पेज पे मेरे को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड या जो भी मेरे ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड है, उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड में आई कैन सी ऑल द रिलेटेड लिस्ट, ऑल द रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, और एटलीस्ट द वंस दैट आर रेलेवेंट, एटलीस्ट आई कैन सी द रेलेवेंट वंस देयर, सो दैट आई कैन गेट अ यू नो एन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑफ दोज यू नो ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेटेड वंस ऑन वन सिंगल पेज। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो अप्रूवल हिस्ट्री है इसको ड्रैग करके नीचे पटक देते हैं, अप्रूवल हिस्ट्री, हाँ ड्रैग करिए और इसे नीचे रख दीजिए, ओपन एक्टिविटीज में कहीं भी रख दीजिए, ओपन एक्टिविटीज के नीचे आएगा ये, ओपन एक्टिविटीज भी एक रिलेटेड लिस्ट है, ठीक है। अब इसको सेव कर दो, सेव कर दो इसको, यस कर दो, अब वहां पे चेक कर लो, रिफ्रेश कर दो, ठीक है। रिलेटेड में चलो, रिलेटेड लेफ्ट में, लेफ्ट में भी भाई, लेफ्ट में, हाँ हाँ डिटेल्स के बगल में आ रहा है रिलेटेड, यस क्लिक ऑन दैट, ओके, यू कैन सी अप्रूवल हिस्ट्री नाउ हियर, राइट, यस ओके ओके। All right, now go back. उसमें एक रिपोर्ट चार्ट भी आ रहा है, वो बेसिकली जो भी रिपोर्ट्स बनती है उसके चार्ट्स हम डाल सकते हैं। गो बैक टू द ऑब्जेक्ट या ओपन द लेआउट वंस अगेन, सो द फाइनल ऑप्शन हियर ऑन द लेफ्ट साइड इज रिपोर्ट चार्ट्स, सिलेक्ट दैट। अभी ये बेसिकली सिंपल है, इसमें जो भी हम रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे आगे जाके, रिपोर्ट्स अभी नहीं बनी है, जो रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे अगर हमें उन्हें उन रिपोर्ट्स को इन पेजेस पे ही दिखाना हो तो हम वी कैन पुट देम अप हियर एज़ वेल, सो दैट्स व्हाट अ रिपोर्ट चार्ट बेसिकली मींस हियर, ठीक है ठीक है, ऑल गुड, यस सर, ठीक है, क्लैरिटी है तो वी आर गुड हियर, यस सर, बढ़िया तरीके से। अभी क्या है ना, हम ये सर रिपोर्ट चार्ट जो है जो आपने बताया सर, ये खुद ही सारे मतलब चार्ट्स वगैरह खुद बनाता है या हमको मैन्युअली इसमें डालने पड़ते हैं? चार्ट हम बनाएंगे, मैन्युअली डालेंगे उसके बाद, मैन्युअली बहुत सारा काम है भाई, कुछ से नहीं बनाता है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था बेसिकली कि बिकॉज दिस इज लाइक यू नो हमारी इनिशियल कुछ क्लासेस चल रही है, वी आर लाइक अभी बहुत ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रहा है, ठीक है,
अभी 5-6 क्लासेस आफ्टर यू नो लाइक 5-6 क्लासेस 6-7 क्लासेस समथिंग लाइक दैट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी व्हाट एवर आई से सो व्हेन एवर आई से डेटा यू अंडरस्टैंड व्हाट डेटा इज व्हेन एवर आई से गो टू द रिकॉर्ड यू यू नो व्हिच रिकॉर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट ओके सो आई वांट यू टू बी लाइक यू नो रियली शार्प विथ ऑल द टर्मिनोलॉजीज दैट आई एम गोना बी यूजिंग तो उससे क्या होगा ना कि हमारे ही जो हमारा ये रहेगा वो स्पीडी रहेगा थोड़ा सा हम स्पीड अप करेंगे और थोड़ा हम भी सारी चीजें कैच करेंगे जल्दी 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 ठीक है और ऑब्वियसली इट इज रिक्वायर्ड कि हम जल्दी करें राइट क्योंकि आराम से तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है खैर सो अभी एक थोड़ी फेमिलियरिटी बना रहे हैं हम विद द प्रोडक्ट और विद द सॉफ्टवेयर दैट वी हैव ठीक है और अच्छे से फेमिलियर होते हैं इससे इसीलिए हम स्लो भी जा रहे हैं और ठीक है बाकी जो चीजें हैं एक बार ही हम फेमिलियर हो जाएंगे उसके बाद बहुत आसान हो ओके जाएंगी और थोड़ा हम जल्दी भी कर पाएंगे ठीक है कोई हाँ क्वेश्चन है किसी का भी तो आप पूछ सकते हो अभी अभी तो कुछ ऐसा ही है अभी तो कुछ नहीं वे गुड हाँ जी एवरीवन एवरीवन आई वांट टू हियर नहीं फ्रॉम मैं मेरे साइड से कोई क्वेश्चन नहीं सर हाँ ठीक है व्हाट अबाउट द रेस्ट आर ऑल द पीपल गुड हियर यस सर ठीक है बढ़िया तो फिर ठीक है जी सो लेट्स मीट टुमारो एंड लेट्स कंटिन्यू दिस डिस्कशन आई एम गोइंग टू सेंड यू द आई एम गोइंग टू सेंड यू द असाइनमेंट टुडे ठीक है मैं कैसे सेंड करूंगा लेकिन ठीक है मैं आई विल सेंड सेंड द असाइनमेंट्स टू द वेबशाला पीपल प्रॉबली देल सेंड इट अक्रॉस या फिर मैं उसी पे शेयर कर दूंगा आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ चलेगा यस सर कोई नहीं हाँ यस सर आप उसको कर दीजिएगा ठीक है जी बट प्लीज इंश्योर आज पूरा दिन है आपके पास में प्लीज इंश्योर दैट यू कंप्लीट दोज असाइनमेंट्स ठीक है उसमें जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही बनाना है कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम व्हाट्सएप पे मैं तुरंत जवाब शायद ना दे पाऊं लेकिन जवाब दूंगा ठीक है ओके ठीक है ओके देन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड लेट्स कनेक्ट टुमारो ओके ओके सर ओके